प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सर्व सुविधापूर्ण वातावरण निवेशक के लिए जरूरी है, साथ ही राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता उद्योगों को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य प्रगति करेंगे तो देश का विकास होगा और भारत विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान हासिल कर लेगा। यंत्र बनाने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका ऑफ द लोकल डेटी। हेवन राइजिंग हिमाचल, एक अच्छी तंदुरुस्त स्पर्धा आज नजर आ रही है। राज्य इनिशिएटिव लेकर के व्यवस्था सरल कर रहे हैं, कानूनों में बदलाव हो रहा है, गैर जरूरी नियमों को समाप्त करने के दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। राज्यों में यह कंपटीशन जितना बढ़ेगा, हमारे उद्योग भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कम्पीट करने के लिए सामर्थ्यवान बनेंगे। दूसरे उद्योगों से मुकाबला करने की उनकी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और इसका लाभ राज्य को होगा, राज्य के लोगों को होगा, देशवासियों को होगा और हिंदुस्तान तेज गति से आगे बढ़ेगा। साथियों, आज भारत में विकास की गाड़ी नई सोच नई अप्रोच के साथ 4 व्हील्स पर चल रही है, 4 पहियों पर चल रही है। एक व्हील सोसाइटी का जो एस्पायरिंग है, एक व्हील सरकार का जो नए भारत के लिए एनकरेजिंग है, एक व्हील इंडस्ट्री का जो डेयरिंग है, एक व्हील ज्ञान का जो शेयरिंग है। इस प्रकार से इन 4 व्हील पे हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं।